वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है सुरेश चव हंके ठग लाइफ सैवेज न्यूज एंकर। अच्छा चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। के जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि केवल अल्लाह ही महान है। इसका मतलब ये नहीं। तो क्या होता है? इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ, तो फिर महादेव से बड़ा कैसे हो गया? अब अल्लाह महादेव को किसने पैदा किया है? किसने किया महादेव को? मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह को महादेव ने पैदा किया, ऐसा कहना चाहिए। अगर आप कहते हो तो ये आपका कहना है, क्योंकि अल्लाह को मानने वाले तो 1400 साल पहले आए, महादेव को मानने वाले तो पहले से आए। क्या बढ़िया था गुरु। मैं तो कहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को कुरान पढ़ना चाहिए, तभी तो उसको पता चलेगा ना कि क्या लिखा है। क्योंकि उसने कहा कि इस्लाम के अनुसार तो महात्मा गांधी भी जन्नत में नहीं गए हैं। नहीं 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 नहीं, क्योंकि जो अल्लाह को नहीं मानता वो जन्नत में नहीं जाता। महात्मा ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये कौन कहता है कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे? ये तो आप कह रहे हैं, मैंने तो कभी भी नहीं सुना। उनके पास कुरान भी था। ये जो भजन आपने कहा ये मंदिरों में तो होता है, मस्जिदों में कभी नहीं होता। नहीं नहीं, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये नहीं गए। ये तो नहीं पड़ा मुझे सिर्फ फर्क, मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने, सिर्फ फर्क दिए मैंने, सिर्फ फर्क पड़ा मुझे सिर्फ फर्क। तो आइटम गर्ल है आपकी, जैसे फिल्मों में होती है। अगर आप हमें गाली नहीं देंगे, हमें सांप्रदायिक नहीं कहेंगे, देशद्रोही नहीं कहेंगे, पाकिस्तान चले जाओ नहीं कहेंगे, तो आपकी दुकान कहाँ चलेगी? नहीं ऐसा नहीं, हमारे सिवा कोई माल है ही नहीं आपके पास। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे मजबूत विरोधी कहाँ मिलेगा? आप क्यों बोलते हैं? चलिए हमें शौक है आइटम गर्ल का आइटम सॉन्ग देखने का, आप नाचना बंद कर दीजिए, हमारा शौक बंद हो जाएगा। काम इंटरव्यू लेना आपका बड़ा आसान काम है। जहाँ पर प्रोफेशन दिखाना है वहाँ पर प्रोफेशनल हो जाओ, जहाँ पर राजनेता बनना है वहाँ पर राजनेता हो जाओ। ये आप करते हो, ये आप करते हो। जहाँ इंसान बनना है इंसान बन जाते हो, जहाँ जर्नलिस्ट बनना है वहाँ जर्नलिस्ट बन जाते हो। हाँ, लेकिन आतंकवादी समर्थक नहीं बनते कहीं। दोस्तों इस वीडियो को आप 2 मिनट का देख चुके हैं तो समझ तो गए ही होंगे कि ये ठग लाइफ किसके ऊपर है, लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का मकसद कतई हेट फैलाना या दुष्प्रचार करना या किसी भी धर्म के प्रति बोलना नहीं है। ये वीडियो इस पर्पज से है कि जो आम जन में या जो भावनाओं के ऊपर सवाल उठते रहते हैं अलग अलग कम्युनिटीज पे, ये जो एंकर हैं सुरेश चौहान के, ये साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में उठाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके प्रोग्राम बिंदास बोल पे कई बार बैन लगाने की भी कोशिश की, कई बार सीधे सीधे वो क्या क्या बोलते हैं ये देख के आपको मजा आ जाएगा। इवन मैंने देखा तो मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। मैंने सोचा इसीलिए एक एपिसोड या एक ठग लाइफ इनके ऊपर बनाई जाए। थोड़ा सा मैं सुरेश जी के बारे में भी यहाँ पे बता दूं। सुरेश जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जब 3 वर्ष के थे तब से स्वयंसेवक हैं। उन्होंने कई सारे सेरेमनी में भी और उसमें भी भाग लिया है जो पथ संचलन होता है। एज ए मेंबर ऑफ आरएसएस ही वर्क प्रो आरएसएस न्यूज़पेपर तरुण भारत, मतलब उन्होंने जो आरएसएस का न्यूज़पेपर था जो कि 1919 में शुरू हुआ था, तरुण भारत में भी काम किया फुल टाइम रिपोर्टर के रूप में। 2005 में उन्होंने पुणे में सुदर्शन न्यूज की स्थापना की और शुरू किया। उसके बाद उन्होंने नोएडा इस चैनल को शिफ्ट कर लिया। इस समय वो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर इन चीफ है सुदर्शन न्यूज के। दोस्तों इस वीडियो का एक ही पर्पज है कि आप एंटरटेन हो सके, आपके फेस पे स्माइल आए, और स्माइल आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके आपका बेस्ट डायलॉग क्या है वो बता देना। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आतंकवादी का कोई मजहब या कोई धर्म नहीं होता। क्यों ऐसा बार बार आप लोग कहते हैं ऐसा? वो बेचारे तो वहाँ 72 हुरों के लिए अपनी जान देते और आप कहते कि आप वो मुसलमान नहीं है। आपको मिलवाता हूँ कांग्रेस के कद्दावर नेता महासचिव दिग्विजय सिंह जी से। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको आपके नाम के साथ सिर्फ दिग्विजय सिंह इसलिए लगा पाया कि मैं श्री लगाऊं मोहम्मद लगाऊं क्या लगाऊं कंफ्यूज था। मां दी है भैया जी आप तो।
आपका बचपन से ही आरएसएस के साथ जुड़ाव रहा है ये मैंने आपका और मैं संघ का संयोजक था हूँ रहूंगा। ये बता के मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए और बताने से होने वाला कोई भी नुकसान मुझे मंजूर। इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम पढ़ी थी, उन्होंने आपके चैनल पे कुछ दो तीन लाइंस लिखी थी, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये टेंशन बढ़ा रहे हैं सोसाइटी में, ऐसे ज्यादा हिंदूवाद को बढ़ावा देके या किसी माइनॉरिटी के अगेंस्ट। हिंदूवाद हिंदुस्तान में नहीं बढ़ाएंगे मैडम, तो पाकिस्तान में बढ़ाएंगे क्या? एक ऐसा गेस्ट हमारे साथ है जिनको बम धमाके में अरेस्ट हुआ है, एक साल की सजा हुई है। अबू अजमी, कोर्ट ने सजा सुनाई 2000 में, आपने झूठ सजा सुनाई, खत्म हो गई। क्या कहा आपने? खत्म हो गई। आपने कहा कि हिंदुस्तान का टुकड़ा कर देंगे। नहीं, हमने कहा धर्म के ऊपर आँच नहीं आ सकती, और सुनिए उसको भी गलत तरीके से दिखाया गया है। अच्छा, ये बोलने के लिए आप सजा नहीं हुई मुझे, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे सजा एक मजिस्ट्रेट ने दे दिया था, हाई कोर्ट ने सजा खत्म कर दिया, कहा गलत केस चला है, फिर से जाओ मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस चलाओ, इसे गलत फैसला हुआ। आप क्या बात कर रहे हैं, ताली बजाइए आप। अरे क्या ताली बजाइए, आप तो छूटे कैसे, इसकी जांच होनी चाहिए। मुंबई पे आते, मुंबई के राजनीति पे आते। मैं आज देख रहा था, प्रोफाइल पढ़ रहा था, मैं भी हूँ महाराष्ट्र का, लेकिन आज आपकी इंटरव्यू करने आया तो देख रहा था कि महाराष्ट्र के सबसे अमीर राजनेता अबू अजमी, उससे बड़े बड़े सारे हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। शरद पवार के राज्य में शरद पवार सबसे अमीर राजनेता नहीं है अबू अजमी, ये तो मजाक हो जाएगा ना। ऐसा है ना, तो मजाक है ना, ये तो कागज में आपने लिख के दिया है, सच्चाई दिया ना। मैं शरद पवार ने झूठ दिया, पता नहीं। शरद पवार अपनी सारी की सारी चीजें ओपन करके देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है। मैंने कोई राजनीति से एक रुपया कमाया नहीं, बल्कि हजारों लाख रुपया राजनीति में खर्चा करके लोगों की मदद करता हूँ। इसमें दाऊद के कितने? अभी गड़बड़ कहाँ है ये ध्यान में, अबू आजमी के यहाँ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ कहाँ है ये अभी ध्यान में। अभी आप जाकिर नायक का क्यों समर्थन कर रहे थे, क्योंकि आप तो औरंगजेब को फॉलो करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारे हामिद अंसारी साहब मदरसे से पास हो गया है। क्या हामिद अंसारी का नाम ले रहे हैं, जिनके डिप्लोमेट रहते हुए उनके राष्ट्रीयता पर शक लिखने उठाने वाली किताब लिखी गई है रॉ के ऑफिसर के द्वारा। ये तो देखिए, आप रॉ के ऑफिसर ने कहा कि आप ईरान के लिए काम करता था कि हिंदुस्तान के लिए काम करता था, जो आप जिसको जिस आदमी का जिना के बगल में फोटो लग रहा है उस हामिद अंसारी का नाम आप ले रहे हैं। अरे फिर 10 साल तक आपका उपराष्ट्रपति रहा है, वो तो ऐसे संवैधानिक बलात्कार इस देश पर हुए उसमें से एक वो भी था। अरे एकदम राजघर जी, राम राजघर जी वाले रे, वाह रे वाह। प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, एक्चुअली आई एम फॉर टू बी प्राइम मिनिस्टर। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बिल्कुल प्रधानमंत्री बनना चाहते और कहते हैं या तो पागलखाने भेजो हमें या प्रधानमंत्री बनाओ। पागलखाने भेजो बनाओ, इंसल्ट ना करें हमें। पूरे राजनीतिक जीवन में एक दाग दामन पर नहीं। आरएसएस के साथ एक बड़ी परेशानी यह है कि वो फुटपाथ पर रखा हुआ जो इतना सा किताबचा होता है उसे पढ़कर आरएसएस का कार्यकर्ता बनता है। इनसे कहिए इतिहास पढ़ें, और इतिहास पढ़ने के लिए बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ती हैं। इतिहास किसका पढ़े, चाटुकारों ने लिखा हुआ इतिहास पढ़ के क्या फायदा है, इतिहास वो पढ़ना चाहिए जो सच्चा था। तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर, बोल बच्चन चांद पत्ती चल छोड़े कम कर, कॉल करके देख मेरा नंबर और आप संपर्क। राम राज्य पे तो आप सहमत है ना, क्या उसमें भी कुछ अल्लाह राज्य वगैरह कुछ? ये देखिए, मैं जहाँ भी इंटरव्यू करता वहाँ ओबीसी आ जाता है, ये देखिए ओबीसी आ गया मेरे हर इंटरव्यू में, ओबीसी की एंट्री आप कोई भी चलते चलते देखिए जैसे उसका नाम आ जाए। हालांकि ये इनकी बदनामी, मैं इन दोनों की माफी मांगता हूँ, क्योंकि ईमानदार होते हैं। यहाँ सुधर नहीं चाहिए था, लेकिन आप वो कुत्ते आ गए। म्यूजिक अल्लाह अल्लाह, वो क्यों है ना फार्मर्स बिल के टाइम आलू का भाजी बदल लिया साला, जो किसान है वो बर्बाद। आलू कहते समय भी अल्लाह मुंह में आता है, ये गड़बड़ ऐसा होता है। अब आलू कहने के लिए भी अल्लाह मुंह में आ रहा है। राम राम सिब्बल जी। राम राम। भारत माता की जय। भारत माता की। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज आपके साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं, लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं, आप भी पूछ लीजिए। हाँ तो वही आपके, हम तो उन्हीं की तरफ से पूछेंगे। चलिए चलिए, हम तो आतंकवादियों की तरफ से नहीं पूछेंगे जैसे आप पूछते हैं। तो ये जो हिम्मत है, एक बार ऐसी हिम्मत दिखाए ना कि मालकिन सोनिया को जाके कहिए कि आपका बेटा राजनीति के लिए नहीं बना है। ये तो आपका विचार है, मैं कहता हूँ राजनीति के बना है। कैसे? क्यों कहूंगा? वैसे तो गांधी जी का काम कर रहे हो। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी मेरे नेता हैं, आप उनसे टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने अच्छी, मैंने गांधी जी से तुलना की। मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हैं। क्या गांधी जी का सपना पूरा कर रहे हैं? मैं जानता हूँ
राहुल गांधी मेरे नेता है, सोनिया गांधी मेरे नेता है और इस जीवन की आखिरी सांस तक वो मेरे नेता रहेंगे। कांग्रेस रहेगी तो ना दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नहीं रहेगी तो भी कांग्रेस में रहेगा। चलिए तो स्वीकार किया आपने कि नहीं भी रह सकती है, कोई बात नहीं, तो खत्म, सब छोड़ के आए, सब छोड़ पीछे जाने का रास्ता बंद कर गया। शिवाजी महाराज कहते थे बिल्कुल, अगर किला फतह करना है तो वापसी का रास्ता, वापसी का रास्ता नहीं होना। हमारा हमारे हीरो शिवाजी है, बाबर नहीं है। गर्व से कहो हम हिंदू है, इस पावन धरा के बिंदु है, जहां प्रभु राम ने जन्म लिया उस सिंधु। तो दोस्तों ये वाला आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो फ्रेंड्स माय गॉड, सुन के बिलीव ही नहीं हो रहा था कई कई बातें तो, पर ओ माय गॉड, और ये सब मतलब इंटरव्यू के टाइम हो रहा है। यहाँ तो जब पहली बारी जैसे मिल रहे इंटरव्यू शुरू करने वाले हैं उस टाइम का वो हो रहा है, या ड्यूरिंग द इंटरव्यू हो रहा होता है वो, देखा सबके साथ वो पार्क में या कहीं मिले हैं उन्हीं के ऑफिस के बाहर या कहीं, और कैमरामैन साथ में है और वो शुरू होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, आप तैयार हो? हाँ तैयार है सवाल पूछने के लिए, और फिर पूछते हैं। और इतना वो कर रहे थे ना, जैसे उन्होंने कहा कि लोगों ने जो है सवाल पूछने, आप पूछो सवाल, तो कुछ इस टाइप से बोला, तो इन्होंने बोला कि हाँ मैं तो जनता के सवाल लेके आया हूँ, आपकी तरह जो है टेररिस्ट वालों के तरफ से थोड़ी कोई सवाल पूछने वाले के आता हूँ। तो मतलब उन्होंने ऐसा कुछ किया था हाँ, कि टेररिस्ट को जो या तो उनको हेल्प किया है या उनकी मदद करने के लिए उनके सपोर्ट में कुछ बोला है या कुछ उस टाइप से था। तो एक से एक बढ़कर खेत थे, और मुझे इसमें से सबसे बढ़िया वो लगा था कि क्या कांग्रेस होगी तब ना, तो ना, तो वो कहते हैं कि नहीं अगर कांग्रेस ना भी हुई तो भी मैं कांग्रेस में ही हम मतलब कुछ रहूंगा। तो कहते अच्छा चल आपने माना तो सही कि कांग्रेस ना रहने के चांसेस है। तो एक से एक बढ़कर पता बात को यहां से वहां, वहां से वहां किया हुआ था। अरे देखिए बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने क्लियर किया कि जो हिस्ट्री आपने लिखी हाँ, वो भी बड़ा कमाल का था, उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इस हिस्ट्री को भी अब चेंज करना है। मोदी जी मेरे ख्याल से वही कार्य कर रहे हैं कि हिस्ट्री को चेंज किया जाए। उसी के पॉइंट पे उन्होंने कहा कि हीरो जो है शिवाजी महाराज हैं, बाबर नहीं, क्योंकि बाबर बाहर से आया था, वो यहाँ का नहीं था, इन्वेडर था। देखिए अगर कोई बाहर से आता है दोस्ती के हिसाब से और कुछ इम्प्रूवमेंट करता है बात अलग है। यहाँ पे बाबर का एक ही पर्पस था कि ये रिच कंट्री है उस पर अटैक किया जाए। जो आप पे अटैक कर रहा है वो कैसे फ्रेंड हो गया आपका, उसने अटैक किया उसके मतलब यहाँ पे रूल किया और अपने, तो फिर इसका मतलब वो अग्रेसर हुआ, तो वो हीरो नहीं है। हीरो वो होता है जो अपनी धरती में जिसने हेल्प की, वो शिवाजी महाराज की बात की थी तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। और ये पॉइंट लोगों को नजर आना चाहिए कि इसमें कोई रिलीजन की बात नहीं है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपने बाबर को कुछ कहा इसका मतलब रिलीजन की बात नहीं, रिलीजन एक रिलीजन है, वो सेक्रेट है। हर रिलीजन आपको सिखाता है अच्छा इंसान बनना, मेरा ये थॉट है, इसीलिए वो रिलीजन एग्जिस्ट करता है, तो वो अलग बात है। रिलीजन जो आपका है वो कोई बात नहीं, मगर एक इंसान की आप एक्टिविटी देख रहे हैं जो आपकी धरती पर बाहर से अटैक करते हुए आ रहा है और उसने फिर मास कन्वर्जन किए, तो मेरे ख्याल से उसको हिस्ट्री अगर बहुत पॉजिटिव तरीके से दिखाती है तो वो सही नहीं है, तो उसको सही कंटेक्ट से दिखाना चाहिए। तो अच्छा वीडियो था, मजेदार था, कई बार तो शॉक भी लगे थे, करंट लगे थे, तो कमाल के थे। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।